हेलो भाई, हेलो भाई। तो इसको हटाते, इस पे आते, ठीक है? तो हाँ जी, हाँ जी, बंद कर दिया मैंने। और पहले इस व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइट फॉर होम। और अभी एक बात करना चाहता हूँ मैं, मतलब ऐसे ही करते हैं नॉर्मली, ठीक है? अभी सीन ये है कि भैया तुमने मेरे व्लॉग का टाइटल देखा होगा कल वाले, मतलब इससे पहले वाले, तो उसमें मैंने लिखा हुआ है कि टाइम टाइम है, बोल लो भाई जिसको जो बोलना है, ठीक है? ये मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि काफी लोग हैं मेरी नजर में ना, क्योंकि अभी हम कामयाब नहीं है भाई, झूठ क्या बोलना, सच में कामयाब नहीं है अभी। और अभी ना हम सब्सक्राइबर्स में कामयाब है, ना हम अच्छा कमा पा रहे हैं, ना हम मतलब है नहीं, सिंपल सी बात, हम कामयाब नहीं है। और बोलने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं अपनी लाइफ में ना, मतलब तुम कामयाब नहीं हो ना तो लोग इतना बोलेंगे ना तुम्हें, और वो घंटा खुद अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहे, और वो तुम्हें जरूर बोल के जाएंगे कि तू क्या कर रहा है वो। तो उन्हीं तू वाले बोलने वाले बंदों को बोलना चाहूंगा, भाई पहले तुम खुद करो कुछ, उसके बाद किसी और बंदे को बोलो। जैसे मुझे बोलते हो ना वैसे ही, क्योंकि तुम मुझे बोलते हो ना, ऑफकोर्स सी बात है, तुम मुझे बोलते हो, तुम किसी अगले बंदे को भी बोलते होगे। ये नेचर होता है, ये आदत है, फितरत है, जो इंसान वक्त बदल जाता है पर इंसान की फितरत नहीं बदलती। तो वो सीन तो समझदार लोगों के लिए इशारा काफी था भाई। अब मैं नाम लेके बोलूंगा ना तो लोग बुरा मान जाते हैं, फिर सामने से वो फिर वो बोलेंगे, समझ रहे हो? पर सबको जवाब दूंगा मैं एक दिन, टेंशन मत लो, अभी बस नाम लेके नहीं दे रहा हूँ, पर उस टाइम पे नाम लेके जवाब दूंगा जब मुझे लगेगा कि हाँ मेरे पास है उस वो चीज मैंने अचीव करी है कि आज मैं उन्हें जवाब दे सकता हूँ। मतलब क्या पता 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे तू, आई डोंट नो। अभी तो फिलहाल देखो औकात तो सच में नहीं, किसी को क्या बोले। तो अभी तो फिलहाल गाने चल रहा था, मतलब गाने सुन रहा था, और आज का प्लान ये है कि भैया मैं जा रहा हूँ बूट लेने करोल बाग, आज तो जाना ही है मेरे को। बस सबसे ज्यादा मैं मिस अपनी लाइफ में जो कर रहा हूँ ना भाई, मैं पिछले व्लॉग में भी मैंने ये चीज बोली थी भाई, मोटो व्लॉग भाई, मतलब सच में ब्रो, मतलब वो दिमाग से नहीं जा रहा यार। जब भी मैं बाइक पे बैठता हूँ ना, सबसे पहले मेरे मन में मोटो व्लॉग का ख्याल आता है, और वो गया है। उस चक्कर में मेरा जो कंटेंट जो इतना बड़ा बनने वाला था, वो कंटेंट इतना सा रह गया, क्योंकि लगभग 70-80% मोटो व्लॉग का ही कंटेंट होता है, और वही कंटेंट अब मेरा बंद हो गया है उसे एक वाटर पार्क के चक्कर में जाने। मतलब गया ठीक है, पर वो फैसला मेरा था कैमरा लेके जाने का, कैमरा यूज करने का। पर ऑफकोर्स अगर मेरे को पता होता ना कि भैया हांगकांग जाएगा वो ठीक होने के लिए, तो मैं कभी कभी यूज नहीं करता उसे पानी में। अपना जैसे चल रहा था वो चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, अपने मोटो व्लॉग हो रहे थे, पर क्या ही कर सकते हैं। चलो छोड़ो, अपन नहा के आता हूँ फटाफट से, उसके बाद चलते हैं, और मैं सीधा मिलूंगा आप करोल बाग। तो पीस आउट। हेलो जी, तो तुम्हें सुनने आ रहा हूँ हनुमान मंदिर, मतलब हनुमान की मूर्ति है वहाँ पे, और मैं फाइनली करोल बाग वो भी। और भाई दिन में आने की तो हिम्मत ही नहीं थी, तो मैं कहा रात में चलते हैं। अभी रेड लाइट पे रुका हुआ हूँ, अब सीधे शॉप पे मिलता हूँ, कहीं पे अच्छे बूट मिले जो मेरे साइज के हो। मेरे साइज की भी एक कहानी है, कभी और बताऊंगा वैसे, पर अभी चलते हैं, ठीक है? अभी मुझे पता नहीं कितनी आवाज़ आ रही है, यहाँ पे हॉर्न में कह रहा तो बज नहीं रहे हैं, आई विश की सही से आवाज़ आ रही होगी, ठीक है? तो शॉप पे आके मिलता हूँ। हेलो भाई, जन्नत। तो अभी हम हैं चोपड़ा, सेम वही, क्योंकि जल्दी सामान और अच्छा सामान यही मिलता है भाई, ये चीज तो मुझे पता थी। मैं कहीं और घूम रहा था, उसने घुमा फिरा के हमें यही भेज दिया। मैंने ठीक है भाई, यहीं आना तो वैसे ही आ जाता मैं, तो कोई नहीं। हेलमेट देखो भाई, ये वाला भी अच्छा लग रहा ना, ये वैनम का नया कलर आया, ये वाला, ये एग्जोर का, ये भैंस की आंख, ऐसे मुझे पता नहीं कैमरा जस्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा, कार्बन फाइबर फिनिशिंग है भाई, SM केबल। पहला बूट ये है, तो ट्राई करके देखूंगा मैं, ऐसे तो आएगा नहीं ना क्योंकि मेरा थोड़ा, रुक जाओ सॉरी, तो मेरे पाओ का थोड़ा सीन है कि मेरे पंजे ना बहुत ज्यादा बड़े हैं, ये सीन है मेरे पाओ का, ट्राई करके देखना पड़ेगा। बाकी इसमें यहाँ पे तो हार्ड है ही भैया, वैसे भी नहीं है। ये जो है ना, ये है तुम्हारा 12 46, UK का 12, US का 13, पर ये आ नहीं रहा है मेरे, टाइट है, काफी ज्यादा टाइट है ये, बहुत टाइट है भाई ये तो, बहुत ज्यादा। तो भाई ये है BBG जो मैं देख रहा था काफी टाइम से, पर ये जो साइज है ये है 46, UK का 12, US का 13, मेरे को इससे भी बड़ा चाहिए, ये इनके पास बड़ा है, अभी ढूंढ रहे हो। ये नॉर्मल साइज, मतलब नॉर्मल नहीं है ये, 12 नंबर है, मेरे को कम से कम 13 चाहिए, 40 जो 46 लिखा है ना वहाँ पे मेरे को 47 या 48 चाहिए, तब जाके मेरे आएगा। मैं पाँव नहीं घुस रहा, पंजे नहीं घुस रहे इसके नीचे, तो सेक्सी है भाई, कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा भाई, पर सामने से बहुत प्यारा भाई, बहुत ज़्यादा प्यारा है।
तो भैया जब इस पर अच्छा ये नहीं भैया ये तो बिल्कुल भी नहीं जमेगा यार, ये तो कोई मतलब ही नहीं है ना, मेरी वो टूरिंग बाइक है। पहले भैया इसका ना साइज ट्राई कर लीजिए, बाकी वरना मैं देखता हूँ भैया से, मान से पूछता। अच्छा साइज ट्राई कर लो, ये कितना साइज है भैया? ये है तुम्हारा देखो 47 13 14, ये ट्राई करते हैं। तो भाई अभी कुछ ऐसा लग रहा है, पर ये एक्चुअली में टूरिंग है, मतलब हिमालयन बीएमडब्ल्यू जीएसए वगैरह पे ये सही रहते हैं, ऑफ रोड टाइप के हैं, ये मेरी बाइक पे जमेंगे ही नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता। उन्होंने कहा था साइज ट्राई करके देख लो, पर मेरा यहाँ से थोड़ा सा टाइट है, बाकी बोल रहे कि खुलेगा, और बाकी कुछ ऐसा लग रहा है मेरे अभी ना, मैं बंद नहीं कर रहा इसे क्योंकि जो मेरी एडी पे चोट है ना वो दर्द कर रही है, और घुसाते हुए ही दर्द कर रही है अभी। मुंह कैसे करना पड़ेगा फिर? अच्छा चेक कर लो। तो भाई इसमें तो आ रहा है साइज, टाटा का टैंक बैग निकाल आ जा जल्दी से, पर एक्चुअली में उस वाले में नहीं आ रहा जिस वाले में मुझे चाहिए, मेरे को चाहिए एक्चुअली में ये वाला, ये वाला, और आ इसमें रहा है, पर ये है टूरिंग कैटेगरी, ये है स्पोर्ट्स कैटेगरी। अभी भी ट्राई कर रहे हैं, अगर मिलता है तो ठीक है, और बहुत सुंदर है भाई ये, बहुत ज्यादा सुंदर है। शॉर्ट में चलेगा? शॉर्ट में शॉर्ट कैसा होता है एक बार दिखाओ मेरे को, वो सामने से दिखाओ एक बार शॉर्ट कैसा होता है। तो भैया अगर 47 में इसका मंगाता हूँ तो वो भी नहीं आएगा? देखो भाई कितना ज्यादा सुंदर है यार, पर अफसोस इसमें साइज नहीं है मेरा, और ना आ सकता है फ्यूचर में, एक्चुअली 47 चाहिए पर वो डलेगा नहीं, ये वाला 47 डल रहा है और ये भी बहुत मुश्किल से डल रहा है, तो इन दोनों में फर्क होता है। तो भाई अभी मैं चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स पे था, उनके गोदाम पे था, तो भाई मेरे को जो पसंद आया वही है बीबीजी बिग ब्रदरहुड, जिसकी मैं तारीफ करता हूँ, मैंने सामने देख लिया, बहुत प्यारा है भाई, बहुत प्यारा है, कैमरा जस्टिस कर ही नहीं रहा है इसे, जितना अच्छा कलर इसका वैसे है तो कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा। और एक ये है स्पीड एक्स 4X जो भी है, मेरे को नहीं पता इसका कोई आइडिया नहीं मेरे को, बाकी 3M की गारंटी वगैरह जो भी है इसका, जो भी ये बताएंगे बताएंगे। ऐसे में एक और है जो मेरे साइज का है, पर वो एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये अलग है, बस शॉर्ट दिखा रहा था मैं, क्योंकि एक लॉन्ग है एक शॉर्ट है, ये जो है ये लॉन्ग है, ये जो है ये शॉर्ट है, तो यही दोनों है अभी फिलहाल, देखते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए तो नियॉन में ही चाहिए, क्योंकि जैकेट मेरी नियॉन है, ग्लव्स मेरे नियॉन है, तो नियॉन मिलेगा तो ज़्यादा सही है, बाकी देख रहे अभी। तो फाइनली अभी साइज नहीं कर रहा है, शायद है भी नहीं, शायद मेरे ख्याल से ऑर्डर लगाना पड़ेगा, ऑर्डर लगा दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम से आ रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, मेरे को इतनी कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर भी लगाने के बाद भी मैं ट्यूसडे आ जाऊँ वेडनेसडे आ जाऊँ वो तो मैं पिक कर लूँगा, भैया जानते हैं मुझे, वो कोई दिक्कत नहीं है, बस मेन तो है जो टाइम कंज्यूमिंग और पेट्रोल लगा है ना वो भी लग गए, सब कोई नहीं जो भी है सही है अभी फिलहाल। बाकी बीबीजी डब्बे पे लिखा है 48, पर एक्चुअली वेबसाइट पे 11 आ रहा है, भैया ने चेक किया था लास्ट 12 भी नहीं 11 ही है लास्ट। भाई जी देखो मुझे नहीं पता मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा, मेरे फेस के एक्सप्रेशन दिख रहे कि नहीं दिख रहे, पर इतनी बुरी किस्मत है ना मेरी जूतों को लेके बूट को लेके, बताओ साइज ही नहीं है, मतलब जो करोल बाग का मेन डीलर है, मतलब चोपड़ा ऑटोमोबाइल सबसे बड़ा डीलर है वो करोल बाग में, उनके पास नहीं है तो और किसके पास ही होंगे, चलते हैं, किस्मत तो फूट ही गई है। अभी मैं हूँ RT4 पे, तो ये भाई मिलेगा ग्राफिक्स वगैरह करते हैं, बात हो रही है अभी मेरी, कुछ नहीं थीम अगर हो जाए तो मेरी बाइक पे, बाकी सामान वगैरह इनके पास सारे, इन्हें नंबर दे दिया मैंने, अब जब भी बूट आएंगे ना तो बता देंगे मुझे, तो इस चक्कर में मैं चलो ठीक है अब आना वेस्ट ना हो बस। भाई देखो वहाँ तो मिला नहीं, अब मैं चेक करूँगा कहीं वेबसाइट वगैरह पर मिल जाए, बाकी एक भाई को नंबर दिया R24 जो भी है वो, उनको नंबर दिया, अगर होता है बूट तो वो बताएंगे। बाकी भाई साहब ये इतनी गर्म हो रही है ना इस टाइम, भट्टी भट्टी हो रही है, रात के पता कितने बजे, अभी टाइम हो रहा है 8:30 हो रहे हैं ठीक है, और भट्टी हो रही है, भट्टी ऐसा लग रहा है तंदूर जल रहा है नीचे मेरे, जब तक चल रही है तब तक ठीक है, वरना क्या फटी पड़ी है भाई, और सोचो दिन में आ जाता तो क्या होता है, अभी तो फिर भी शाम का आया हूँ, रात हो रही है अभी प्रॉपर, तो जाके ये हाल है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा, इस टाइम किसी ने टच कर दिया ना गलती से फट जाएगा वो तो। हेलो जी, तो अभी मैं डिनर कर रहा हूँ और अभी टाइम हो रहा है 11:30, तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचते इस ब्लॉग को, एक सेकंड, तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचते इस ब्लॉग को, इस ब्लॉग के लिए इतना रखते हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब मार दो, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और ख्याल रखें अपना, अगर अपना बाय बाय। पर अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी डिनर, मैंने पता है ब्रेकफास्ट करना तो मैं छोड़ ही दिया है,
लगभग मेरे को 5 से 6 दिन हो गया मैंने ब्रेकफास्ट करना ही बंद कर दिया। 1:30 बजे उठ रहा हूँ, फिर सीधा लंच कर रहा हूँ और अब जाके डिनर कर रहा हूँ। पता ही नहीं क्या चल रहा है। तो पीस आउट।